बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम आज मैं आपके लिए शिमला मिर्च कीमे की, की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार सी ये तैयार होगी तो इसके लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने पहले से किया हुआ उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तो बिसम से अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए उन्हें बीफ़ का कीमा लिया हुआ है साढ़े सात सौ ग्राम तो इसको धो के मैंने इस तरह से स्नैनन में रखा हुआ है अब तीन पाव की तो इसके लिए मैंने तीन दरम्याने साइज की शिमला मिर्च ली है तीन दरम्या साइज के टमाटर जिनका छिलका उतार के इस तरह से मैंने क्यूब्स में इनको मैंने काट लिया हुआ दो हरी मिर्च पाउडर मसालों में इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चाय का चम्मच हल्दी आधे चाय का चम्मच साबुत जीरा आधी चाय का चम्मच और नमक हसबे जायका थोड़ी सी काली मिर्च और एक बड़ी इलायची इधर मैंने देखिए मैं एक आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया जैसा वो गर्म होना शुरू हुआ तो प्याज़ मैंने दो दरमिया साइज़ की मैंने ली थी चॉप करके उनको मैंने डाल दिया है तो प्याज़ को आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना ब्राउन नहीं करना जैसा थोड़े से ये सोते हो थोड़ी सी ये नरम हो तो आप इसमें अदरक लहसन का पेस्ट डेढ़ खाने का चम्मच डाल दें तो इस तरह से डेढ़ खाने का चम्मच मैंने कुटा हुआ अदरक लहसुन का डाल दिया है अब देखें दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा कलर आने लग गया था, था उसमें मैंने कीमा डाल दिया टमाटर आपने बाद में इस्तेमाल करने कीमे की आपने इसमें अदरक लहसन और प्याज के साथ अच्छी सी बुनाई करनी है और चूल्हे की आँच को दरमियाना रखना है साथ ही ये देखें आपके सामने मैंने हरी मिर्च डाल दी है एक से दो हरी मिर्च को इस तरह से काट के बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है तो इसके अलावा मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला ना अगर मैं इसमें नमक डालती तो कीमा हमारा पानी छोड़ देता तो उसके लिए सिर्फ हरी मिर्च और अदरक लहसुन प्याज के साथ आपके सामने मैंने इसको बुना साथ ही फिर भी जब वो बुन गया उसका पानी खुश्क हो गया कीमे का तो फिर इसमें मैंने टमाटर डाले और साथ ही आपको जो पाउडर मसाले दिखाए थे सिंपल जो नमक मिर्च हल्दी साबुत ज़ीरा तो वो मैंने डाल दिया डाल के दरम्या आँच पे उसको मैंने पकने के लिए बग़ैर ढक्कन लगाए इसको मैंने रखा हुआ था थोड़ी सी बुनाई किए फिर इसको मैंने ढक्कन लगा दिया अभी देखें टमाटर भी कुछ हद तक गल चुके हैं और कीमा भी तो पहले इसको मैंने बगैर ढक्कन लगाए पकाया तो बाद में मैंने फिर मैंने इसे डब जब टमाटर थोड़े गल गए तो इसको मैंने चूल्हे की आँच हल्का करके ढक्कन लगा के पकने के लिए रखा हुआ है ताकि टमाटर भी अच्छे से गल जाएँ और कीमा भी तो अब ये देखें तो टमाटर इसके बीच में अभी नज़र नहीं आ रहे तो अच्छे से कीमा भी हमारा गल चुका ऑयल इसका अलग हो गया अब लास्ट में मैंने इसमें डाली है लंबाई में कटी हुई अदरक साबत हरी मिर्च और शिमला मिर्च शिमला मिर्च को थोड़ा सा मैंने क्यूब्स में मैंने काट लिया है और थोड़ी देर इसको मैं दम पे रखूँगी दरमियानी आँच पर चूल्हे की आँच को बहुत ज़्यादा कम नहीं रखिएगा वरना शिमला मिर्च आपने डाली है तो वो पानी छोड़ देगी किस टाइम क्या चीज़ डालनी है वही मसाले होते हैं वही सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जब हम स्टेप बाई स्टेप तरीके से हम सारी चीज़ों को जब डालते हैं तो बहुत ही अच्छी अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है इस तरह ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये तैयार शिमला मिर्च के साथ मैंने थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल दिया था अभी मैंने डाला इसमें आधी चाय का चम्मच गर्म मसाला पाउडर तो इस तरह से शिमला मिर्च कीमा हमारा बन के तैयार हो चुका है अभी आप इसका फाइनल लुक देख ले बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है अपने घर में आप इसको ज़रूर इस ट्राई कीजिएगा तो इस तरह से बीफ कीमा हमारा शिमला मिर्च बन के तैयार हो चुका है तो अपनी राय का अजहार जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो जो पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए अपना और अपनों का रखिए ढेर सारा ख्याल ताला हम सबको अपने सोमान में रखे आमीन अल्लाह हाफिज़